नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़े लंबे समय बाद गिफ्ट निफ्टी लाल निशान में दिख रहा है। आज के लाइव हाई लगने के बाद क्या कल भी मोमेंटम कैरी रहेगा, इसके बारे में बात करूंगा। टोटल 9 टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। पहले एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं, निफ्टी की प्रिडिक्शन, गिफ्ट निफ्टी की अपडेट, अमेरिका का बाजार कैसा कर रहा है, ग्लोबल मार्केट्स, FIDIs का डेटा, वेदांता ने QIP लॉन्च कर दिया उसकी अपडेट, Q1 रिजल्ट्स जो आज आए हैं कल रिएक्ट करेंगे, नेक्स्ट कल जो रिजल्ट्स आएंगे वो सारे अपडेट्स और डिविडेंड वाले स्टॉक। तो शुरू करते हैं निफ्टी की प्रिडिक्शन से विदाउट एनी डिले। निफ्टी की प्रिडिक्शन की बात करें तो पहले गिफ्ट निफ्टी को बताना चाहूंगा, 24,610-620 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग 30 पॉइंट नीचे है। अपने भारतीय बाजार में निफ्टी 24,586 यानी 586 की क्लोजिंग देता हुआ दिखाया, ऑलमोस्ट 590 आप कह सकते हो। अब डेटा ये कह रहा है 24,500 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी है, वो सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इनफैक्ट अगर हम 24,600 के ऊपर, चाहे वो 20 पॉइंट ही क्यों ना ऊपर हो, 24,620 पे भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो शिफ्ट हो जाएगा ये बेस, 24,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा और 24,600 भी सपोर्ट क्रिएट हो सकता है। अगर 24,600 के नीचे ही ट्रेड करते हैं तो एक दिक्कत का विषय है तेजी के लिए, मंदी तो बिल्कुल नहीं दिखती, क्लियर कट है, गिरावट नहीं दिखती है, शॉर्ट नहीं करना है, मार्केट जो कह रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। और लॉन्ग के लिए 24,500 एक सपोर्ट का काम करेगा, आप चाहो तो 24,520-525 पे 490 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन भी बना सकते हो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो प्लीज पोजीशन को कट कर देना। ये हो गया क्लियर, गिफ्ट निफ्टी बताई दिया। अब आता हूं जरा अमेरिका के बाजार ग्लोबल मार्केट्स पे, संकेत अच्छे ही आ रहे हैं दोस्तों। अमेरिका एक बार फिर हाई लगा रहा है। एक्चुअली में ना जो ट्रंप साहब पे हमला हुआ ना, बाजार उसे पॉजिटिवली ले रहा है। हमला हुआ ये पॉजिटिवली नहीं, बाजार ये पॉजिटिव ले रहा है कि अब जो ट्रंप साहब है ना उनके जीतने के चांसेस और बढ़ गए, और अमेरिका का बाजार यही चाहता है कि ट्रंप साहब जीत जाए, क्योंकि वो बाजार के लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो ट्रंप साहब के जीतने के चांसेस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जश्न मना रहा है, आप ये कह सकते हो। अलग ही जीते नहीं है, चांसेस बढ़ रहे हैं, सिंपथी वाले वोट भी अब आएंगे, क्योंकि और वैसे भी इस समय काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जा रहे थे, बाइडन साहब का पत्ता ऑलमोस्ट कट दिख रहा था। अब मैं आपके साथ अगर अमेरिका में डाउ जोन्स की बात करूं तो 0.5% की तेजी में दिख रहा है डाउ जोन्स, 300 पॉइंट से ज्यादा उछला हुआ है। नेस्डेक इंडेक्स में 0.5% की तेजी बनते हुए दिख रही है, 107 पॉइंट ऊपर दिख रहा है आपको। S&P 500 में भी लगभग आपको, सॉरी S&P 500 में भी 0.5% की तेजी है, लेकिन रसल 2000 2% रैली कर रहा है, और इन सबके अबव विक्स अमेरिका में 4% उछल गया है। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं अमेरिका में दोस्तों, वॉलिटिलिटी बढ़ रही है, तेजी की तरफ बाजार जा रहा है, तो ये बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं और मोमेंटम कैरी हो सकता है यहां से। यूरोप की बात करें तो ये नेगेटिव है, और काफी नेगेटिव है, फिटसी 0.85 यानी ऑलमोस्ट 1% डाउन दिख रहा है, डेक्स भी ऑलमोस्ट 0.84% यानी कि 1% के करीब नीचे है, और कैक तो मोर देन 1% डाउन है। तो यूरोप में सब कुछ नेगेटिव है। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो निकाई 2.5% टूट गया, हैंगसेंग 1.5%, और शंघाई फ्लैट है दोस्तों। ये तो ऐसा स्क्रीन दिखा रही है कि भैया किसी भी दिन अपने भारतीय बाजार में 200 से 300 पॉइंट की गिरावट रखी है, अब वो किस दिन होगी वो किसी को नहीं पता है, क्योंकि तो सारे ही सारे नीचे दिख रहे हैं। तो ये हो गई ग्लोबल मार्केट्स की अपडेट। FIDIs के डेटा की बात करूं अगर मैं, तो एक बार फिर से वही हुआ है, FIIs खरीद कर गए हैं लाइफ हाई पे, 2684 करोड़ की बाइंग आई है, और DIIs इस समय थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं, 331 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखे हैं आपको। अब आ जाते हैं दोस्तों QIP की अपडेट के बारे में। वेदांता ने दोस्तों QIP की, पहले मैं एक और अपडेट अभी भी आई है वो बता दूं, गवर्नमेंट ने विनफॉल गेन टैक्स जो है वो बढ़ा दिया है, 6,000 रुपये टन से बढ़ाकर 7,000 कर दिया है। तो ये पॉजिटिव है रिलायंस ONGC OIL के लिए, और नेगेटिव सारी की सारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी IOC HPCL BPCL इन सब के लिए। तो ये एक अपडेट एडिशनल जोड़ दी है, टोटल 10 पॉइंट हो गया वो अपने। अब आते हैं दोस्तों हम वेदांता पे। वेदांता कंपनी अप्रूव्ड फ्लोर प्राइस ऑफ QIP एट 461 रुपीज प्रति शेयर। दोस्तों वेदांता में ना मेरे को लगता है बहुत ही शानदार, मतलब बहुत अच्छा हो गया ये, QIP 461 पे और 459 पे स्टॉक खड़ा है आपका, बेस बन गया 460 आप ये मान लीजिए,
इसमें डाउनसाइड बहुत कम रह गई है। तो वेदांता के निवेशकों से मैं बोल्ड कॉल दूंगा कि बेचना मत, और फ्रेश एंट्री अगर आप मेटल स्टॉक्स में देख रहे हो तो वेदांता आपके लिए प्रेफर्ड पिक हो सकता है, क्योंकि QIP से नीचे ट्रेड कर रहा है शेयर। अब आप ये देख लो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के द्वारा बड़े इन्वेस्टर्स से 8,000 करोड़ रुपए कंपनी जुटाएगी 461 रुपए के भाव पे शेयर जारी कर। तो आप देखो कि डाउनसाइड कहां है फिर, 8,000 करोड़ रुपए कोई देगा? बेवकूफ तो है नहीं इस भाव पे। तो मेरे को लगता है ये 500 रुपए की जर्नी की तरफ निकल सकता है स्टॉक। अब आ जाता हूं मैं उन स्टॉक्स पे जो आज रिजल्ट्स देते हुए दिखे और कल रिएक्शन देंगे। तो काफी सारे नाम है दोस्तों, एंजल वन नंबर अच्छे लगे पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। कैल्टन टेक्नोलॉजीज आज ऑलरेडी 18% भाग गया, नंबर फ्लैट टू पॉजिटिव है, बट उतने दमदार मुझे नहीं दिखे, बट दमदार है। हेडसन एग्रो के भी नंबर आते हुए दिखे, मैंने रीड नहीं करे तो मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, बट ऊपर से देख रहा हूं तो अच्छे ही लग रहे हैं। डेन नेटवर्क के भी नंबर आए हैं, HDFC लाइफ मजा नहीं आया नंबर में, बाकी ओपन मार्केट में ही नंबर आ गए थे, कोई और ज्यादा नाम है नहीं। आगे बात करें तो कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, सो दैट आपको पता हो कि किस कम। हाँ, जियो फाइनेंस के भी नंबर आए हैं दोस्तों आज। जियो फाइनेंस के नंबर में बिल्कुल भी मजा नहीं आया, बिल्कुल फ्लैट दिख रहे हैं नंबर, इनफैक्ट डी ग्रोथ और दिख रही है साल दर साल, बट स्टॉक में मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। कल बजाज ऑटो, L&T फाइनेंस, क्रिजिल, सेंचुरी टेक्सटाइल, हिमाद्री स्पेशलिटी, आलोक इंडस्ट्रीज, जुबिलेंट इंग्रीविया, नेटवर्क 18, जस्ट डायल, TV18 ब्रॉडकास्ट, DB कॉप, डी डेवलपमेंट जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, एग्रोटेक फूड्स, ये सारे स्टॉक हैं जो कल रिजल्ट्स देते हुए दिखेंगे आपको। डिविडेंड वाले स्टॉक्स का भी अपडेट देना चाहूंगा आपको, कल 16 जुलाई नेस्ले 11.25 रुपए, डॉक्टर रेडी लैब 40 रुपए का डिविडेंड है, IDBI बैंक 1.5 रुपए, ल्यूपिन 8 रुपए, पंजाब एंड सिंध बैंक 20 पैसे, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज 6.30 रुपए, CDSL 22 रुपए, IDFC लिमिटेड 1 रुपए, MM फॉर्जिंग कल बोनस ट्रेड करेगा 1:1 में, थ्रूमलाई केमिकल 1 रुपए डिविडेंड है, TTK हेल्थ केयर, पिक्स ट्रांसमिशन, सकुमा एक्सपोर्ट्स, राने इंजन वाल्वे, एलिगेंट मार्बल्स एंड YSN फैब्रिक्स, ये सारे स्टॉक हैं जो एक्सडिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।